नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहत। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज है। अभी पिछले हफ्ते ही खबरें थी कि योगी कैबिनेट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तीन तीन मंत्री नाराज चल रहे हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे दिनेश खटीक ने तो अपना इस्तीफा तक अमित शाह को भेज दिया था। और इस बीच मामला ठंडा होता कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का भी इस्तीफा हो गया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चाएं होने लगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक चिट्ठी और स्वतंत्र देव सिंह की कुर्सी चली गई अध्यक्ष पद की। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जिस तरीके से राजनीतिक हालात हैं, उसको लेकर तमाम विधायक नाराज चल रहे हैं, मंत्री भी नाराज चल रहे हैं, ऐसा खबरें लगातार आ रही हैं। दिनेश खटीक, जो कि खुद को दलित बताते हैं और कहते हैं कि दलितों का अपमान हो रहा है, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने ये इस्तीफा बकायदा एक चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री अमित शाह को भेजी और उसके बाद सियासी गलियारों में खबरें काफी तेज थी कि क्या कैबिनेट में उथल पुथल होगी योगी के। लेकिन वो चिट्ठी की वजह से कहा जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह के अध्यक्ष पद की कुर्सी चली गई। इसके अलावा भी कई कारण रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के, जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग में बड़ा खेल हुआ और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में बिना डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे ब्रजेश पाठक को पता लगे ट्रांसफर कर दिए गए और ऐसे ऐसे ट्रांसफर हुए कि सोचा भी नहीं जा सकता, उनकी भी नाराजगी निकल कर सामने आई थी। तो वो तमाम पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर भी स्वतंत्र देव सिंह पर शिकंजा कसा गया था, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा हुआ है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंपा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इस्तीफे के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ बोलने से मना कर दिया, कोई भी रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया। जिसके बाद से ये खबरें आने लगी कि कुछ अहम कारण रहे, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, दिनेश खटीक की वो चिट्ठी जो कि अमित शाह तक पहुंची, ये सब अहम कारण रहे स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी के नियम के अनुसार 3 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो गया था 16 जुलाई को, इसीलिए वो इस्तीफा दे सकते थे। और ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कार्यकाल पूरा हुआ इसलिए उनका इस्तीफा हुआ है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि आरएसएस के साथ दिनेश खटीक की बहुत नज़दीकी रही है और जिस तरीके से उनकी नाराज़गी हाल फिलहाल में देखी गई, उसने स्वतंत्र देव सिंह को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल बड़ा हुआ, वो भी बड़ा कारण बना। आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह को 16 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनका 3 साल का कार्यकाल मतलब 16 जुलाई 2022 को पूरा हो गया। स्वतंत्र देव और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी की मेहनत बहुत रंग भी लाई इस दौरान। 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत यूपी में मिली बीजेपी को। इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों की जोड़ी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पूर्ण बहुमत के साथ फिर से योगी सरकार की वापसी कराई। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कुछ विधायकों और मंत्रियों की नाराजगी देखने को मिली, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल सामने आया, उसके बाद से स्वतंत्र देव सिंह पर उंगलियां उठी और अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश खटीक दोनों का संघ से गहरा नाता रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि संघ ने बड़े सूझबूझ के साथ ही ये फैसले लिए हैं। दिनेश खटीक भी शांत हो गए थे, उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, केवल अधिकारियों से नाराजगी है और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने उस वक्त आरोप लगाए थे कि दलित होने के नाते उनकी उपेक्षा की जा रही है। फिलहाल स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के ये कुछ अहम कारण सामने निकल कर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन होगा उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष।